तो दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए लोगो कैसे बनाएं। एंड दोस्तों आप अपने चैनल का लोगो बना लेते हैं तो आपके चैनल के लोगो को देखकर कुछ लोग क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बिना बकवासबाजी के काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड दोस्तों आपको इसको बनाने के लिए आपको पिक्सल ऐप की जरूरत पड़ेगी, आपको प्ले स्टोर में इजीली तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। और दोस्तों ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इसको टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से आपको डिलीट कर देना है। और दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर ऊपर पर जाना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड दोस्तों इस टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना है और आपको इस पर लिखना है अपने चैनल का लोगो का फर्स्ट नेम। तो उसे मैं लिख लेता हूँ TRS। एंड तो ओके पर क्लिक करता हूँ। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करके कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ। तो दोस्तों हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो सिंपल से दोस्तों आपको फॉन्ट वाले आइकन पर चले जाना है। एंड दोस्तों फॉन्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब आपको माई फॉन्ट पर जाना है एंड आपको कॉपी ऑफ फाइल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको गूगल पर जाना है एंड आपको सर्च करना है कॉपी ऑफ फाइल। और जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने कॉपी ऑफ फाइल ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉन्ट बन के आ जाएगा। अब दोस्तों हमने जो ये लिखा है इस पर हम हल्की सी शैडो डालेंगे। तो दोस्तों शैडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड दोस्तों शैडो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों हमारे लोगो पर शैडो आ जाएगी। अब दोस्तों हमने ये जो लिखा है इस पर बॉर्डर लाएंगे तो सिंपल से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। एंड दोस्तों हम इसको घटाकर 1 कर देंगे एंड दोस्तों क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमने जो लिखा है इस पर कलर करेंगे तो सिंपल से कलर वाले ऑप्शन पर जाकर हम इस लोगो के आर को येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो कलर। एंड दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बीच वाले आइकन पर जाकर इसको बीच में आर को पीला कलर का कर दूंगा एंड दोस्तों ओके पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों हम ऊपर की तरफ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे एंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड दोस्तों हम इस पर डबल टैप करेंगे और हम इसको काट देंगे। अब दोस्तों हम अपने चैनल का नाम लिख लेंगे टेक्निकल ऋतिक सिप एंड ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दोस्तों आपके चैनल का नाम आ जाएगा। एंड दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से छोटा करके कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका फॉन्ट चेंज करें तो दोस्तों हम सिंपल से फॉन्ट वाले आइकन पर जाएंगे एंड दोस्तों हम दूसरा वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल से आपके सामने कुछ प्रकार का फेस आ जाएगा। अब दोस्तों हमने जो चैनल का नाम लिखा है इस पर शैडो डालेंगे तो सिंपल से आपको शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इसको इनेबल कर देना है एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हम स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको भी इनेबल कर देंगे तो हमारे चैनल के नाम पर बॉर्डर आ जाएगी एंड दोस्तों उसको -1 कर देंगे। अब दोस्तों हमारे जो चैनल का नाम लिखा है इस पर हम कलर चेंज करेंगे तो दोस्तों सिंपल से ही हम कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो नाम लिखा है ऋतिक तो उसको हम पीला कलर करेंगे। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा क्रॉप करके अपने नाम पर सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों हम इसको पीला कलर चूज करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल से हम पीला कलर ढूंढ के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके करते हैं तो हमारा पीला कलर आ जाएगा। एंड दोस्तों राइट पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों हम 3 डॉट के नीचे बॉक्स वाले आइकन पर जाएंगे एंड दोस्तों नीचे की तरफ राइट के टिक दिख रहे होंगे तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको ऊपर की तरफ दोनों को टिक करके नीचे की तरफ आपको इसको ओके कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आप इनको छू के हिला सकते हैं और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से एक साथ हो जाएंगे। अब दोस्तों हम फिर से ऊपर की तरफ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे एंड फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे एंड दोस्तों आपको गैलरी पर जाने के बाद सिंपल से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम सिंपल से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से एंड दोस्तों हम जो हमने लिखा था उसको हम फ्रंट पर कर लेते हैं एंड दोस्तों इसको हम बैक पर कर लेते हैं एंड दोस्तों हम इस बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों हम फिर ऊपर की तरफ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे एंड फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे फिर आपको एक सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम उसको छोटा करके अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये लोगो बनकर रेडी हो गया। तो सिंपल से उसको सेव करने के लिए आपको 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करना है एंड आपको डिफॉल्ट पर जाना है एंड आपको अल्ट्रा पर इसको कर देना है एंड आपको सेव टू गैलरी पर कर देना है। तो दोस्तों आपको ये हाई रेजोल्यूशन में सेव हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो लोगो बनाया है उसको आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम गैलरी पर जाकर
उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों जूम आउट करके देखते हैं कि हमारा लोगो कैसा बना है। एंड दोस्तों ये सब की PNG आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेना है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।